के किसी साथी वर्गी धारक को नहीं चुनना, जो आपके अधिकार और आपकी मांगों को कॉर्पोरेट प्रबंधन के सामने रख सके और उसका समाधान कर सके। हम ये नहीं कहते, और जो हमें आपने मंच दिया है, विगत चार सालों में हम चैलेंज करते हैं, जितनी भी यूनियन है जो सत्ता में है या विपक्ष में है, अगर हमारे बराबर काम किया होगा तो हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैंटीन के लिए 10 साल से वाले जो हमारे त्योहार आ रहे हैं, दशहरा दिवाली जो सबसे बड़े त्योहार है, उसके लिए हम कुछ अपने बच्चों के लिए कर पाए, आप लोग सब आए और SIP बोनस भी मैनेजमेंट से हम बात कर रहे हैं कि उसकी जल्द से जल्द JCM की मीटिंग बुलाएं, किसी भी तरीके से बुलाएं, वो चाहे फ्रेश है, DHL है, तो सर्कुलर भी एक होना चाहिए। कहीं 20 रुपए का खाना, कहीं 15 रुपए का खाना, क्यों नहीं है, सेंट्रलाइज हो सकता है। आप कॉर्पोरेट से चार्जेस निकालिए, हमारे जितनी भी कटौतियां उसको वापस करने के बाद, और एक ही सर्कुलर रिलीज कर दीजिए सब पे कि अगर आप सब्सिडी 50% देना चाहते हैं तो ये होगा, 100% काटना चाहते हैं तो रेट ये होगा, लेकिन सेंट्रलाइज करें, ये आप लड़ाने का काम ना करें। आप जब देखो उस यूनिट का हवाला इस यूनिट को देते हैं, इस यूनिट का हवाला उस यूनिट को देते हैं। साथियों, दुर्दशा बद से बदतर होती जा रही है। टाउनशिप का रेवेन्यू एक साल का 27 करोड़ रुपए है, जनरेट होता है, और आज का हुआ है, और कैंटीन हर उद्योग में कैंटीन चलाना अनिवार्य है, ये एक रूल एक्ट में नियम है, लेकिन विगत कोविड को देखते हुए 6 महीने से हमने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, लेकिन आज वो हर खाना 8 घंटे का दवा बराबरी पे चल रहा है। दोबारा से फूल चाल किया जाए और हमारी जितनी कटौतियाँ हुई हैं वो कटौतियों का पैसा वापस करने के बाद आप अगर रेट बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपसे वार्ता करने के लिए और रेट बढ़ाने के लिए तैयार है। दूसरा, त्योहारों का समय आ गया, फर्क बन रहा है, आगे क्या क्या बंद होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप पाए छूट नहीं है तो आने वाले समय में सिर्फ बेसिक और DA मिलेगा, प्रबंधन सारी कटौतियां बंद कर देगी। आप सबसे अनुरोध है साथियों, 4 दिन से ऑल इंडिया वेलफेयर प्राइस ट्रेड यूनियन आपकी मांगों को लेकर हर बेटे को संघर्ष